इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। नर्सिंग में सोशियोलॉजी की क्या इम्पोर्टेंस है? पहली बात तो ये, सोशियोलॉजी में एक से साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की स्टडी सोशियोलॉजी के थ्रू हम इजीली कर सकते हैं। यह साइंटिफिक स्टडी सोसाइटी की जाती है सोशियोलॉजी में। नर्स के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है? विदाउट सोशियोलॉजिकल नॉलेज ए नर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड द कम्युनिटी। अगर सोसाइटी की नॉलेज उस नर्स को नहीं है तो वो चीज़ों को नहीं समझ पाएगी, उस कम्युनिटी के लोगों का थिंकिंग प्रोसेस या जो भी चीज़ें रहेंगी वो नहीं समझ पाएगी। तो ज़रूरत है उसे उस सोसाइटी को समझने की। विद द हेल्प ऑफ द सोशियोलॉजिकल नॉलेज द नर्स अंडरस्टैंड द फैक्टर्स ऑफ कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन। देखो, कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन ये सब चीज़ें के ना सबके अपने अपने अलग चीज़ें हैं, अलग ढंग से मानते हैं। तो नर्स को अगर इन चीज़ों की नॉलेज है तो वो पेशेंट को अच्छे से हैंडल कर सकती है। अगर नहीं नॉलेज है तो वो पेशेंट और उसके रिलेटिव जो आसपास रहेंगे वो परेशान कर देंगे। तो कास्ट का, कम्युनिटी का या रिलीजन के बारे में अगर पता होगा तो अच्छा होगा, उसकी स्टडी सोशियोलॉजी में की जा सकती है। इसलिए सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है नर्स को। जब नर्सिंग की कराई जाती है तब स्टडी ऑफ सोसाइटी हेल्प्स नर्स टू अवॉइड प्रेजुडिस एंड डिस्क रिमिनेशन। कोई भेदभाव ना करे, पहले से कोई व्यू बना के ना रखे नर्स, इसलिए सोशियोलॉजी की स्टडी कराई जाती है या इसलिए इम्पोर्टेंस है। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नर्स शुड अंडरस्टैंड द सोशल पोजिशन, स्टेटस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, लोगों का अपना अपना अलग अलग रुतबा टाइप का है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, उसकी खुद खुद की पोजिशन है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस चीज़ों को वो समझ सकती है या समझ सकता है। नर्स कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, इट डजेंट मैटर। ये सब के लिए ये सब चीज़ें लागू होंगी। तो इन सब की स्टडी या अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी के थ्रू अच्छे से आ सकती है। सोशियोलॉजी हेल्प्स द नर्स टू अप्रोच द पेशेंट एट वेरियस लेवल, लाइक इमोशनल लेवल, कल्चरल लेवल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल। जो भी कोई पेशेंट आया है या एडमिट हुआ है, वो उसे आपको हर ढंग से हैंडल करना है। इमोशनल लेवल पे भी हैंडल करना है, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी हैंडल करना पड़ेगा। तो पेशेंट को हैंडल करने के लिए अगर उसे सोसाइटी या सोशियोलॉजी की नॉलेज है तो ये हेल्प ही करेगा उसे, तो हेल्पफुल होगा उसके लिए पेशेंट को समझना और उसे चीज़ों को समझाना या उस पेशेंट को हैंडल करना। थ्रू सोशियोलॉजी द नर्स गेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशियो कल्चरल लाइफ ऑफ द पेशेंट। अगर सोशियोलॉजी की नॉलेज होगी तो पेशेंट की जो सोशियो कल्चरल लाइफ है उसके बारे में उसे पता चल जाएगा और फिर वो उस ढंग से थोड़ा हेल्प ही करेगा उसे काम करने में। पेशेंट के बारे में अगर एक पेशेंट का जो भी एरिया है, जो चीज़ें हैं, वो अगर पता लग जाएंगे उसे और उसके बारे में उसने पहले से स्टडी कर रखी है सोशियोलॉजी के थ्रू, तो ये हेल्पफुल ही होगा उसकी केयर करने में। सोशियोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड दोज फोर्स एंड प्रेशर विच अफेक्ट पेशेंट एडवर्सली। पेशेंट को परेशान करने के लिए बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, तो उन्हें अवॉइड करने का काम भी नर्स कर सकता है या कर सकती है थ्रू सोशियोलॉजिकल नॉलेज। सोशियोलॉजी हेल्प्स द नर्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जो लोगों का बर्ताव है, जो कन्फ्लिक्ट आपस में है, या डॉक्टर से है, ये पेशेंट जिस तरह से बिहेव कर रहा है, जो रिलेशन है, उन सब चीज़ों की नॉलेज सोशियोलॉजी के थ्रू नर्सेज को दी जाती है, जो उनका ट्रीट करने, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इम्पोर्टेंस तो है सोशियोलॉजी की नर्सिंग में भी।